दोस्तों आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम अपने स्नैपचैट की फोटो को अपने गैलरी में अपने मोबाइल के स्टोरेज में कैसे सेव करते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी मैक्रो चैनल। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्नैपचैट ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद से लेट्स हम सबसे पहले क्या गलती करते हैं, हम कोई भी यहाँ से लेट्स मैं आपको फोटो लेके एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ और हम समझते हैं कि ये हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। जबकि ऐसा हमने फोटो ले लिया, फोटो लेने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का जो बटन आ रहा है, सेव का बटन, वहां पर हम क्लिक करते हैं इसको सेव करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर हम सबसे पहले क्लिक करते हैं फोटो लेने के बाद, तो देखिए सेव आ गया। लेकिन एक सेटिंग होता है स्नैपचैट का, वो जो डिसाइड करता है कि ये स्नैपचैट मेमोरी में सेव हुआ कि कैमरा रोल में। देखिए फोटोज ये ऑप्शन खुल गया है लेकिन हमारे गैलरी में यह आया नहीं है, यानी डाउनलोड नहीं हुआ है हमारे गैलरी में, हमारे मोबाइल स्टोरेज में नहीं आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जाके एक सेटिंग करने पर, एक बहुत ही छोटी सी सेटिंग है। ठीक है, तो हम स्नैपचैट को ओपन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर पर अपने क्लिक करेंगे। ठीक है, या बिटमोजी जो भी बोलिए वहां पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद से हम सेटिंग के आइकन पर टॉप पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेटिंग के आइकन क्लिक करने के बाद से फिर नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे और ये मेमोरीज का ऑप्शन आ रहा है। देखिए हु कैन में ही मेमोरीज का ऑप्शन आ रहा है, तो हम मेमोरीज पर क्लिक करते हैं। तो उसमें देखिए आ गया ये सेव बटन, जो कि मेमोरीज है, यानी कि सिर्फ मेमोरी स्नैपचैट मेमोरी में ही सेव हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेमोरीज एंड कैमरा रोल, कैमरा रोल का मतलब गैलरी मोबाइल स्टोरेज ही होता है। तो हमें मेमोरीज एंड कैमरा रोल सेलेक्ट कर लेना है। नीचे ऑप्शन आ रहा है देखिए कैमरा रोल ओनली। अगर आप स्नैपचैट में नहीं सिर्फ अपने कैमरा रोल यानी मोबाइल के गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो हम कैमरा रोल ओनली का ऑप्शन चूज करेंगे। फिलहाल हमें मेमोरीज एंड कैमरा रोल ही रहने देते हैं, उस ये कोई ज्यादा स्पेस लेता नहीं है फोटोज, तो मेमोरीज एंड कैमरा रोल रहने देते हैं। फिर बैक आएंगे, देखिए सेव बटन कुछ भी, और कुछ भी हमें सेव वगैरह पर क्लिक नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई फोटो ले लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा कोई फोटो है गुलदस्ते का। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका फोटो ले लेते हैं। अब फोटो लेने के बाद हम क्या करेंगे, वही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फोटो सेव हो चुका है। अब हम जाके देखते हैं अपने मोबाइल के गैलरी में कि ये क्या हम डाउनलोड हो चुका है, सेव हो चुका है। गैलरी हमने ओपन किया, उसके बाद से यहाँ पर हम फोटोज पर क्लिक करते हैं। तो देखिए टॉप पर ये फोटो हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जबकि पहले वाला हमने लिया था जो ट्राइपॉड का फोटो था, वो हमारे गैलरी में सेव नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ हमें मेमोरीज एंड कैमरा रोल का ऑप्शन चूज करना है और हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा फोटो। गुड बाय एंड टाटा।